मॉडर्न नेटवर्किंग एलिमेंट। द अल्टीमेटली द कंसर्न ऑफ अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इज अबाउट द सेट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर हब स्विचेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइफ द फंक्शन की परफॉर्मेंस सच एज पैकेट फॉरवर्डिंग। इफ द NFV इज यूज द नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इज इम्प्लीमेंट इन अ सॉफ्टवेयर एंड एग्जीक्यूट ऑन अ वर्चुअल मशीन एज पर योर डायग्राम सच एज दैट द NFV यूज फॉर अ नेटवर्क फंक्शन इम्प्लीमेंट बाई यूजिंग एन वर्चुअल मशीन। इफ इंस्टेड द नेटवर्क फंक्शन आर इम्प्लीमेंट ऑन अ डेडिकेट मशीन एज एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज यूज द कंट्रोल फंक्शन आर इम्प्लीमेंट ऑन अ सेंट्रल सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोलर विच इंटरैक्ट विद द नेटवर्क डिवाइसेस। कि साइमल्टेनियसली हमें क्या इसके अंदर यूज करना है, नेटवर्क डिवाइसेस वाया सॉफ्टवेयर और वाया वर्चुअल मशीन हम इसके अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो यूज़ करने वाले। देन नेक्स्ट इज एन क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजर अ कॉमन यूज टू स्पेसिफाई द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय अ वेरियस नेटवर्क कस्टमर्स और यूजर एंड टू डेडिकेट अ ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एन नेटवर्क अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक। कि जिस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक होते हैं उसको मैनेज करने के लिए एंड द नंबर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड करने के लिए मेजर करने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस ए बी फैक्टर इसके अंदर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। द कॉमन केस अंटिल रिसेंटली इज दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इम्प्लीमेंट ऑन अ नेटवर्क दैट यूज आइदर अ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन और नॉर SDN। कि इसके अंदर हमें दोनों में से एक तो फंक्शनलिटी यूज ही करना है जस्ट लाइक नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क दोनों में से एक फंक्शनलिटी हम इसके अंदर कंपलसरी यूज करने वाले हैं। इन दिस केस द राउटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल पॉलिसी मस्ट कॉन्फिगर डायरेक्टली ऑन नेटवर्क डिवाइस और वराइटी ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैन्यूअल टेक्निक्स। कि इसके अंदर हम देख सकते हैं इसको मैन्युअल वे में भी यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटेड वे में भी इसको यूज कर सकते हैं। इफ NFV मस्ट बट नॉर SDN इज इम्प्लीमेंटेड द क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग कैन बी कम्युनिकेट टू अ वर्चुअल मशीन। की इफ हमने इसके अंदर नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन यूज़ किया इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सो इस नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हम वर्चुअल मशीन भी इंक्लूड करेंगे विद एन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेदर द NFV इज यूज एंड इट इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कंट्रोल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग अ क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स एंड वेरियस नेटवर्क यूजर। इफ हम SDN यूज करें तो SDN इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन नेटवर्क डिवाइस फंक्शनलिटी। नेटवर्क डिवाइस फंक्शनलिटी के लिए हमारा जो SDN है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। सो वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट इज अ नेक्स्ट स्लाइड। इन अ क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, व्हाट इज एन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस एनीबडी, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज एन सब्जेक्टिव मेजर ऑफ एन परफॉर्मेंस एज रिपोर्टेड बाय अ यूज़र। स्पेसिफिकली जो यूज़र होगा हमारा उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, की जो यूज़र का एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिफरेंट क्वालिटी मेजर्स करने वाले। द क्वालिटी ऑफ सर्विस विच कैन बी प्रीशियस मेजर द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस रिलाय ऑन ह्यूमन ओपिनियन। क्वालिटी ऑफ सर्विस एज पर योर पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं
बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आर डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन ओपिनियन कि नंबर्स ऑफ जो यूजर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे उसको जज करने वाले। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड अ मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव टारगेट दैट गाइड द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ एन नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड अ मेजरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड अ मेजरेबल क्वांटिटेटिव टारगेट दैट गाइड्स द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ एन नेटवर्क एंड एनेबल अ कस्टमर एंड प्रोवाइडर टू ग्री ऑन वॉट अ क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस द नेटवर्क विल डिलीवर फॉर अ गिवन एप्लीकेशन एंड ट्रैफिक फ्लो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस वी यूज एज एन क्वान्टिटेटिव फीचर कि जस्ट लाइक इन अ क्वालिटी ऑफ सर्विस वी टेक्स अ नंबर्स और अ क्वान्टिटी मेजरेबल टारगेट्स बट इन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस वी टेक्स एंड द क्वालिटेटिव नॉट अ क्वान्टिटेटिव एज पर वी टेकिंग सम डिफरेंट कैटेगरीज फॉर अ क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट इज अ पर्सपेक्चुअल दिस कैटेगरी इज एनकोपेस इनका से द क्वालिटी ऑफ सेंसरी एक्सेप्ट ऑफ माई यूजर एक्सपीरियंस फॉर वीडियो फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड अ शार्पनेस ब्राइटनेस कॉन्ट्रैक्ट फ्लिकर एंड डिस्पोशन एंड ऑडियो एग्जाम्पल इंक्लूड अ क्लियरिटी एंड टिम्बर्स की जैसे कि पर्सपेक्टिव उसका क्या है उसके पीछे हमें मोटिव क्या है उसको क्रिएट करने का और उसको मैनेज करने का। सो फॉर वीडियो वी सिलेक्ट ब्राइटनेस शार्पनेस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट मेनी मोर फीचर्स जस्ट लाइक फॉर एन ऑडियो वी टेक एन क्लियरिटी एंड टिम्बर्स की जिसके अंदर नॉइस कितना है एंड क्लियरिटी कितना है ये दोनों फीचर्स हम इसके अंदर देख सकते हैं। देन सेकेंड क्राइटेरिया इज एन साइकोलॉजिकल इन अ साइकोलॉजिकल दिस कैटेगरी डील्स विथ द यूजर फीलिंग अबाउट द एक्सपीरियंस कि साइकोलॉजिकली उस स्पेसिफिक सर्विस के बारे में यूजर की क्या फीलिंग है क्या राय है वो हम इसके अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड एसे ऑफ यूज और जॉय ऑफ यूज यूजफुलनेस प्रीवियसली क्वालिटी सेटिस्फैक्शन बोरेडम इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे लाइक यूजर को उसके रिगार्डिंगली क्या एक्सपीरियंस आ रहा है स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल वो क्या है कि हैप्पी है सैड है मीडियम कि उसको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है स्पेसिफिक नेटवर्क के रिगार्डिंगली वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन इंटरैक्टिव दिस कैटेगरी डील विद द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड एप्लीकेशन और डिवाइस इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है इंटरेक्शन का रिस्पॉन्सिव नेचरलेस ऑफ और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इफिशेंसी और एक्सेसिबिलिटी कि कौन से टाइप्स का इंटरेक्शन हमारा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे उसको क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जज करेंगे। देन नेक्स्ट इज एन क्वालिटी ऑफ सर्विस इन अ क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर हम देखेंगे इन अ क्वालिटी ऑफ सर्विस यू कैन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ सर्विस एज अ मेजरेबल एंड टू एंड परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी ऑफ एन नेटवर्क सर्विसेज विच कैन बी अ ग्रांटेड एन एडवांस बाय अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन अ यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऐसे लिए इज नथिंग बट एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है यूजर एंड प्रोवाइडर के बीच में जिसके अकॉर्डिंगली हम मेंशन करते हैं कि स्पेसिफिकली हमारी क्या कौन कौन से टाइप से हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जैसे लाइक कि उसके अंदर बैंडविड्थ टाइम नंबर्स ऑफ यूजर्स वगैरह वगैरह उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। कॉमनली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंक्लूड कि कॉमनली हम स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट इज एन अ थ्रूपुट थ्रूपुट मीन्स वॉट अ मिनिमम और एवरेज थ्रूपुट इन अ बाइट पर सेकेंड पर बीट पर सेकेंड और फॉर लॉजिकल कनेक्शन एंड ट्रैफिक फ्लो।
एज पर थ्रूपुट मीन्स वी हम किस तरह से इसके अंदर हमारा डेटा पास ऑन कर सकते, उसको अपलोड कर सकते, डाउनलोड कर सकते, या जो भी रेट होगा एज पर बीट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, एमबी पर सेकेंड, केबी पर सेकेंड, जो भी आपके अकॉर्डिंगली उसका थ्रूपुट कितना होना चाहिए, रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, ओके, या ट्राफिक का लॉजिक फ्लो किस ट्राफिक फ्लो किस तरह से होना चाहिए, दैट वी कॉल्ड एज एन थ्रूपुट. सेकेंड वन इज एन डिले. डिले इज नथिंग बट द एवरेज और मैक्सिमम डिले इज कॉल्ड एन द लेटेंसी. डिले इन द सेंस एक स्पेसिफिक मैसेज को लेट हो के रिस्पॉन्स जो लेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिले. ओके, इसको हम लेटेंसी भी बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एन अ पैकेट जिटर. टिपिकली द मैक्सिमम अलोएबल जिटर, कि जिटर इन द सेंस जो पैकेट हम पास ऑन करते हैं लेकिन टाइम बिटवीन गैप जो होता है, लेटेंसी एंड डिले, लेटेंसी और जिटर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. द नेक्स्ट इज एन एरर रेट. पैकेट जिटर एंड एरर रेट. एरर रेट इन द सेंस द टिपिकली मैक्सिमम एरर रेट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बिट डिलीवर इन एरर, कि एक स्पेसिफिक रेट कौन से रेट के अंदर हम हमारा जो मैसेज हम सेंड करें उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसके अंदर क्या एरर हो सकता है, वो हम उसके अंदर एज अ एरर रेट हम डिफाइन करेंगे. देन नेक्स्ट इज एन पैकेट लॉस. ओके, फ्रैक्शन ऑफ पैकेट लॉस, कि सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने एरर रेट निकाला उसी तरह स्पेसिफिक टाइम के रिगार्डिंगली हमारे कितने पैकेट लॉस होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, या फ्रैक्शन ऑफ आवर्स के अंदर, कि हमारे कितने टाइम के अंदर कितने पैकेट लॉस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैकेट लॉस. देन नेक्स्ट इज एन प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज ए नथिंग बट द नेटवर्क मे ऑफर अ गिवन नंबर्स ऑफ लेवर ऑफ प्रायोरिटी, कि अकॉर्डिंग टू द असाइनिंग अ लेवर ऑफ वेरियस ट्रैफिक फ्लो इन्फ्लुएंसर इन अ वे इन विच द डिफरेंट फ्लो आर हैंडल्ड बाय अ नेटवर्क, कि अकॉर्डिंग टू असाइनिंग अ वेरियस प्रायोरिटी या इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग टू हर किसी के नीड के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स असाइन किए, डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रायोरिटी यहाँ पे हम मेंशन करने वाले, कि एज पर हर किसी के नीड के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन करके रखी. देन नेक्स्ट इज एन अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी इन द सेंस द एक्सप्रेस एंड परसेंटेज ऑफ एन टेबल इज अवेलेबल, कि कितना हम हमारी सर्विस को अवेलेबल रख सकते हैं, वो हम अवेलेबिलिटी एज अ सर्विस यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जस्ट लाइक एन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज नथिंग बट अ डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन इन अ सिक्योरिटी, जस्ट लाइक इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन हो सकता है या नंबर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं. देन लास्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म इंश्योर दैट द बिजनेस एप्लीकेशन कंटिन्यूअस टू रिसीव अननेसेसरी परफॉर्मेंस गारंटी इवन दो द दे आर नो लॉन्गर रन अ डेडिकेट हार्डवेयर, सच एज वेन अ एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड टू अ क्लाउड द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इन्फ्लुएंसर इज पार्शियली डिटरमाइंड बाय इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफिशियंसी. कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मीन्स वॉट, कि अकॉर्डिंग टू यूजर, कि यूजर को जो भी सर्विसेस रिक्वायर्ड होगी वो सभी सर्विसेज हमें यहाँ पे उसको प्रोवाइड करने विदाउट एनी इंटरप्ट. देन नेक्स्ट इज एन नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन. इन अ नेटवर्क फंक्शनाइजेशन स्टैंड फॉर अ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम NFVB बोल सकते हैं.
सेम इसके अंदर हमें क्या करना है कि डिफरेंट जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन बाय इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रनिंग देम ऑन अ वर्चुअल मशीन, कि जो भी हमारे फंक्शंस है कि जो नॉर्मल जो नेटवर्क के फंक्शन है जैसे लाइक एन राउटिंग, फायरवॉलिंग, इंटरप्टिंग, डिटेक्टिंग एंड एड्रेस ट्रांसलेशन, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है हमारे नेटवर्क के, हम इसको ऑन हार्डवेयर परफॉर्म करने वाले। द एनएफपी हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स है, फर्स्ट इज एन मोर फंक्शनलिटी टू अ सॉफ्टवेयर, जैस पर एज जैसे लाइक कि हार्डवेयर के ऊपर हम जो फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते वो हम सॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर वर्चुअली उसको परफॉर्म कर सकते। द नेक्स्ट इज एन यूज ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेटी प्लेटफॉर्म यूज एंड स्टैंडर्डाइज और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कि जो हमारे नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर या नॉर्मल हार्डवेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन हम रन नहीं कर सकते उसके लिए हम स्पेशली ओपन एप्लीकेशन APIs क्रिएट कर रहे। सो उस इंटरफेस को हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्डाइजली हैंडल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन यूज अ स्टैंडर्डाइज API जस्ट लाइक सपोर्ट मोर इफिशेंसी और इवोल्यूशन डिप्लॉयमेंट एंड रिपोजिटरी ऑफ एन नेटवर्क, कि जिसके थ्रू मल्टीपल्स इवोल्यूशन हम यहाँ पे इफिशिएंसी डिप्लॉयमेंट इसको सपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन SDN, ओके नेक्स्ट इज एन SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। इन अ SDN हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क प्रोवाइड एन इनहांस लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमेबिलिटी टू मीट अ नीड ऑफ न्यूअर नेटवर्किंग एंड IT ट्रेड टू अ क्लाउड सच एज अ क्लाउड मोबाइलिटी, सोशल नेटवर्किंग एंड वीडियो। द SDN इज एन अप्रोच टू डिजाइन एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेशन लार्जर देन द बेस प्रोग्राम, कि इट प्रोवाइड अ इन्हांस लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, कि जो भी हमारे मैक्सिमम लेवल होगी उसके अकॉर्डिंगली जो भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन होगा ये हमें प्रोवाइड करने वाला है। डिफरेंट फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर देखने वाले और डिफरेंट चैप्टर्स इसके ऊपर हमें है, जैसे लाइक कंट्रोल प्लेन के ऊपर एक चैप्टर है फॉर कंट्रोल प्लेन इज SDN कंट्रोल प्लेन, SDN नेटवर्क सर्विसेज, देन डेटा प्लेन एंड एप्लीकेशन प्लेन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्लेन। डिफरेंट इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है कि डिफरेंट चैप्टर्स हमें इसके ऊपर देखने, तो उस चैप्टर के अंदर हम मोर डिटेल में इसको देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हम कवर करने वाले। देन लास्ट इज देन नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस इन द सेंस नॉर्मली जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो हम रेगुलर बेस के ऊपर यूज़ करते हैं वो नेटवर्क डिवाइस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। द नेटवर्क डिवाइस आर फिजिकल डिवाइस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, कि डिफरेंट जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं जैसे लाइक एग्जाम्पल में हब्स, स्विच, राउटर्स, ब्रिज, कि हर गेटवे मॉडेम के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस है सभी के सभी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इन अ फिजिकल वे ऑल्सो एंड इज अ लॉजिकल वे ऑल्सो। कि लॉजिकल इन द सेंस बाय यूजिंग NFV हम उसका एक वर्चुअलाइजेशन थ्रू उस डिवाइस को क्रिएट करेंगे एंड उसको यूज करेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ आपको इस वीडियो के रिगार्डिंगली कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोई सजेशन होगा तो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड इसी रिलेटेड सेम वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।